ये है फेमस मणिकर्णिका घाट, योगा हो रहा है 80 घाट पर। थोड़ा सा इलाची। अस्सी घाट पर नौका बिहार लेने जा रहे हैं। सरनाथ का दर्शन। गंगा मैया पर डुबकी लगाने के बाद अभी मैं निकली हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बनारस गलियों का शहर है, तो छोटी छोटी गलियों से होकर मैं अभी पहुँचने वाली हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास। काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पे शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। तो मैंने अभी दर्शन कर ली काशी विश्वलक्ष्मी देवी टेम्पल, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। दोस्तों बनारस गलियों की शहर है और बनारस की छोटी छोटी सी गलियों के हर वॉल पे देवी देवताओं की तस्वीर पेंटिंग की गई हुई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। दोस्तों काशी विश्वनाथ टेम्पल में टोटल 7 द्वारे हैं, 7 गेट्स में से आप किसी भी द्वार से अंदर जा सकते हैं। आप लोग को मैं यहाँ से एक नंबर द्वार से दूर वहाँ पे आप लोग को मंदिर का जो मेन मतलब जगह है वो दिखाने का कोशिश मैंने किया, लेकिन मंदिर के अंदर तक जहाँ पे शिवजी का ज्योतिर्लिंग है वहाँ तक मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती, क्योंकि वहां तक कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। काशी विश्वनाथ टेम्पल पे टोटल 5 बार आरती होती है दिन में, मंगला आरती, भोगा आरती, संध्या आरती, श्रृंगारा आरती और शयना आरती। आप अगर किसी भी आरती में भाग लेना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन आप लोग को पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं नीचे उतर रही हूँ गंगा मैया के पास, पास में ही गंगा नदी है। दोस्तों क्या बताऊँ, इतनी खूबसूरत हवा, इतना शांत एनवायरनमेंट, सच्ची में ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। आप लोग कभी भी काशी आइएगा तो मंदिर के दर्शन करने के बाद गंगा मैया के पास घाट पे जरूर जाइएगा, एक अद्भुत तरह की एक शांति मिलती है। लोग विश्वास करते हैं कि काशी पे ना माँ पार्वती और शिवजी विराजमान हैं। काशी के हर गलियों की हर दीवार पर आपको शिवजी का अलग अलग रूप की तस्वीर पेंटिंग्स दिखाई देंगे। दोस्तों काशी मोक्ष की नगरी है, लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए और भगवान के करीब जाने के लिए काशी में आते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे चिताओं की आग कभी नहीं बुझती है। इस जगह का बहुत महत्व है। लोग बोलते हैं कि स्वयं शिव शंकर और माँ पार्वती का घर है मणिकर्णिका घाट। ये मणिकर्णिका घाट पर लोग मुक्ति के लिए आते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और ये मृत्यु इंसान को अगर शिवजी का नगरी में आए तो उससे बड़ी सौभाग्य का बात क्या हो सकती है। दोस्तों बनारस में ना टोटल 84 घाट्स है और हर घाट की कहानी है। कोई तुलसीदास घाट मान लो, कोई राजा हरिश्चंद्र घाट मान लो, केदार घाट मान लो, या 80 घाट या दशाश्वमेध घाट, हर घाट की कहानी, हर घाट की खूबसूरती क्या बताएं आपको। दोस्तों बनारस का दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है, 5000 सालों से भी पुरानी। शिवजी के नगरी पे अलग अलग देवी देवताओं का भी मंदिर मुझे देखने के लिए मिला। अब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ नेपाली मंदिर, जो शिवजी पे अर्पित है पशुपति नाम से। नेपाल का पशुपति मंदिर के बारे में तो आप जानती है, कितनी खूबसूरत है बनारस। हर दीवार पे
हर गली पे एक कहानी। तो अभी नेपाली मंदिर के तरफ जा रहे हैं और थक गई हूँ। फिर भी खुशी है कि ये आरती का टाइम हो रहा है तो दौड़ते दौड़ते पहुँचने का कुछ। जय हो भोले बाबा की। एट लास्ट मैं पहुंच गई हूँ पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल काठमांडू में जो पशुपतिनाथ की मंदिर है, ठीक उस मंदिर की तरह ही इस मंदिर को बनाया गया है और ये मंदिर भी बहुत सालों पुरानी है। बहुत सारे नेपाल के लोग भी यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं शिव जी को। काशी विश्वनाथ टेम्पल आएंगे, गंगा नदी के किनारे जो नेपाली मंदिर है वो भी आप लोग दर्शन करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण एक एनवायरनमेंट है। दोस्तों मैं ना ये सोलो ट्रिप कर रही हूँ। काशी विश्वनाथ टेम्पल और बनारस देखने का सोलो ट्रिप। अकेले मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हर गली में ना गंगा मैया की मीठी सी हवा चलती है, क्या बताए, स्वर्ग का अनुभव। बनारस ना गलियों का शहर है, तो फिर छोटी छोटी गलियों से होकर जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की आरती पर। अभी हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट के पास। नहीं थैंक यू। तो शाम का वक्त है, आरती का टाइम हो गया है, तो जल्दी निकलने का कोशिश कर रहे हैं। भीड़ बहुत है और छोटी छोटी गलियों से आगे बढ़ रहे दशाश्वमेध घाट पे ना आरती देखने के लिए आपको 4 बजे या 3 बजे पहुंच जाना अच्छा है, क्योंकि आरती 5 बजे से या 5:30 बजे से शुरू होती है, तो उससे पहले पहुंचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए मुझे हर कुछ चीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चलना पड़ रहा है। दोस्तों मैं समझती हूँ कि कोई भी इंडियन औरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत साड़ी में लगती है, तो बनारस के गलियों पे ना इतनी अच्छी अच्छी बनारसी साड़ी मेरे को नज़र आ रही है कि दिल कर रहा है अभी दुकान के अंदर जाऊं और 1-2 साड़ी खरीद लूं। दोस्तों मुझे रास्ते में अभी मिले 2 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे और उनकी मम्मी। राबड़ी मैंने ना टेस्ट की है, बनारस की रावड़ी, बनारस की लस्सी, क्या बताएं। हर गली में सारी की सारी दुकान है। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। गली छोटे छोटे हैं क्योंकि ये जो बनारस शहर है ना ये बहुत पुरानी है, तो फिर इसलिए गली थोड़ी मतलब नैरो लग रही है मुझे, लेकिन जो भी हो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है बनारस पे चल के। सोलो ट्रिप कर रही हूँ तो फिर अभी बनारस की गलियों के बीच में से बहुत खूबसूरत है, लेकिन छोटी छोटी गलियां हैं। शाम के वक्त अभी आरती का टाइम शुरू हो रहा है तो मैं भागते भागते जा रही हूँ। गर्मी बहुत लग रही है तो वह जा रहे हैं। खुशी है कि आरती देखेंगे तो इसमें गर्मी भी दूर भाग रहा है। सोलो ट्रैवल करने में ना कोई
अलग ही मजा है। हर चीज एक्सपीरियंस करो खुद से और यू फील हैप्पी, यू रियली फील हैप्पी। द एनवायरनमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ पे अलग अलग टाइप के खाने भी दिखाई दे रहे हैं। भैया रुद्राक्ष देख रहे हैं, वेरी क्राउडेड उस साइड से बेटर होता है, उधर तो साइड हो गया। ओके, इट हैज नॉट स्टार्टेड राइट। तो दोस्तों मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ शाम के वक्त गंगा नदी के किनारे किसी भी घाट के पास किस तरह का एक खूबसूरत एनवायरनमेंट का मतलब स्टार्ट होता है। तो मैं वही आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, तरह तरह की मिठाई, तरह तरह की खाने वाली चीज, हर कुछ मिलता है यहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, वहाँ चल के देख लेते हैं उसके बाद। दोस्तों देखिए गंगा नदी के घाट पे किस तरह से लोग जमा हो रहे हैं नौका बिहार लेने के लिए, कोई कोई आरती का हिस्सा बनने के लिए। कितना मांग रहे हो आप? 200 रुपए की मतलब आप गंगा घुमा भी देंगे? अरे 200 रुपए मांग रहे हैं एक जन का। हाँ चलो 120 करके हम लोग 3-4 जन मिलकर कर लेंगे। छोड़ो फिर नीचे पता, तुम्हारा परमिशन है बाकी का सब। तो ये गंगा आरती के लिए तो बैठा दे, जाना है तो बोलिए बैठा दे गंगा आरती के लिए। सुधा में सुधा रस जा।